प्रणाम बापू जय सियाराम। मैंने स्थान बदल दिया है इसलिए आपको मालूम हो जाएगा कि अभी मैं परिचय नहीं दूंगा खुद बोलूंगा। मैं समझता हूं कि बापू के सम्मुख होना ही एक परिचय है दो तीन दिन से हम जो संवाद कर रहे हैं उसमें दो छोटी सी बातें मेरी ओर से मैं रखना चाहूँगा बापू एक बात तो बहुत पहचानी हुई है लेकिन आपने जो अभी गुरु प्रभाव और गुरु स्वभाव की बात रखी है और ख़ास करके आचार्य और गुरु तो उसके बारे में एक बहुत अच्छा सा प्रसंग है वो प्रसंग एक पुस्तक में खुद अपने अनुभव के आधार पर लिखते हुए हमारे बहुत पहचाने से साधना पुरुष श्री भाणदेव जी का है भाणदेव जी एक ऐसी हस्ती है कि जो लोक भारती में प्रोफेसर रह चुके हैं जब उनको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कहीं जाना था तो उसने एक पोस्ट कार्ड लिखा काका साहब कालकर को कि मैं ऐसा ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ आप बताएं मैं कहाँ जाऊँ काका साहब ने लिखा लोक भारती चले जाओ और वो लोक भारती आए वहाँ गुरुपति भी रहे अभ्यास करने के बाद वो पौंडिचेरी गए और पौंडीचेरी में श्री माता जी और महर्षि के स्कूल ऑफ़ एक्सेलेंस और ओबिंदो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में वो शिक्षक के तौर पे भर्ती हो गए वहाँ भी वो गृहपति बने तो ये एक ऐसा स्कूल है पौंडिचेरी में जहाँ बच्चे को आप डाल दो तो उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता एवरी ईयर कोई एग्ज़ाम नहीं होती कोई सिलेबस नहीं होता तीन साल का बच्चा जाता है तो तेईस साल का एक जवाब मर्द वहाँ से बाहर आता है वो छः सात भाषाएं जानता है संस्कृत भी जानता है योग भी जानता है ऐसी व्यवस्था है ये सब होते हुए भी वहाँ परीक्षा नहीं है वर्गखंड नहीं है कुछ नहीं है अंदर से जो उगेगा वो बच्चा पूछेगा और जो पूछेगा उनका एक्सप्लोरेशन टीचर उनके साथ रह के करेगा जवाब नहीं देगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए भाणदेव जी वहाँ गए तो वो वहाँ गुरुपति बने आप सबको मालूम है कि पौंडिचेरी में मदर और महर्षि के समाधि के करीब ऐसा ही समुद्र है और वहाँ नज़दीक में छात्रालय है वहाँ विद्यार्थी रहते हैं तो शाम की एक घटना थी वो समुद्र के किनारे पर कई लोग अपना इवनिंग वॉक कर रहे थे उसमें अचानक एक भाई दौड़े और दौड़ते दौड़ते गए और एक छोटा सा बच्चा जो पानी में जा रहा था उनको खींचकर बाहर निकाल लिया। वहाँ जो कोई था देवर सरप्राइज टू नॉट दिस थिंक सबको लगा क्या हो रहा है ऐसा हुआ कि मानो बच्चा डूब रहा था और उस बंदे ने उसको बचा लिया वो बंदा भी बच्चे को थोड़ा डांटने लगा ऐसे निकल भागता है ऐसे कोई जाता है पानी में डूब मरेगा मैं नहीं होता तो क्या होता तो बच्चा तो वैसे हम जानते हैं सिगड़ा गया था और वो डांट रहे थे उसी वक्त पे वो भाई बोले कहाँ पो कहाँ पढ़ते हो उसने वो अंगुली निर्देश किया ये छात्रालय जो है महर्षि का स्कूल का उसका बच्चा हूँ देन ही वॉज मोर सरप्राइज कि ऐसे कैसे हो सकता है एक छात्र बाहर निकल के समुद्र में गया और कोई नहीं है तो वो डांटने लगा कि ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ो तो भी ख्याल रखो अपना कोई ध्यान देने वाला नहीं है अपने का खुद को करना पड़ता है उसी वक्त पे एक शिक्षक वहाँ पे आए और वो शिक्षक ने आके बोला कि आपने जो किया है वो अच्छा किया है लेकिन अभी जो आप बोल रहे हैं वो अच्छा नहीं बोल रहे हैं आपको शायद मालूम नहीं है कि मैं वो छात्रालय का गृहपति हूं और जब ये बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट से निकला तब से मैं उनके ऊपर नज़र रख रहा था और मैं उनके पीछे 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 ही आ रहा था और वो जब खींच खींचा जा रहा था तब भी मैं देख रहा था जब आपने उनको पकड़ के खींच के बाहर निकाला तभी मैं भी दौड़ के आ गया था तो वो भाई साहब ने थोड़ी दलील की कि आप कैसे हैं ऐसा चलता नहीं है फला फला उन्होंने कहा क्या आप चाहते हैं कि ये बच्चा पूरे जिंदगी में पानी से डरता रहे समुद्र के उछलते हुए मौजों के बीच जाके अपना बैलेंस बनाना न सीख पाए अभी जो वो कर रहा था वो एक एक्सपीरियंस था और हमारे स्कूल का वो बेसिक सिद्धांत है कि हम एक्सपीरियंस से ही सिखाते हैं मैं पीछे था ये जो आप पत्थर देख रहे हैं वहीं बैठा था और शायद वो डूब जाता तो मैं खुद तैरना जानता हूँ मैं उनको बचा लेता हम बच्चों को पेम्पर करना नहीं चाहते लेकिन उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि लाइफ में डिफ़िकल्टीज होती है तो खुद का बचाव कैसे किया जा सके ये जो प्रसंग है वो बताता है कि गुरुकुल से निकलने के बाद भी भानदेव जी वो दैट टीचर वॉज भानदेव जी ही हिमसेल्फ शिक्षक नो धर्म एवं पुस्तक है प्रवीण प्रकाश ने प्रकाशित करेलु एम हमने खुदे लिखेलो आ प्रसंग है मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम भी हमारे बच्चों को ऐसे गोद में उठा के फिरते हैं कभी भी हम वो नहीं चाहते कि कोई बैड एक्सपीरियंस या रोंग प्रैक्टिस उनके साथ हो दैट इज गुड बट दैट डजेंट मीन दैट वी डो नॉट अलाउ देम टू एक्सपीरियंस द रियालिटी ऑफ द लाइफ एंड दैट इज द मिसिंग आस्पेक्ट इन अवर पेरेंटिंग दिस इज अ मैसेज आपको मालूम है आप सब जानते हैं पौंडिचेरी और मधर के बारे में तो विशेष नहीं कह रहा मेरा ये मानना है बापू कि जीवन की कई बातें ऐसी है कि जो हमने जानी नहीं है जानी इसलिए नहीं है कि हम खुद ऐसे सिचुएशन में गए नहीं है अभी जो अरुण भाई ने बताया फिगर्स बताया थर्टी थ्री परसेंट वाला वो आज हमने जान लिया तो कल आई एम श्योर वाइल गोइंग टू द डाइनिंग होल वी शेल बी केयरफुल कि हम हमारे खाने के डिश में कोई झूठा तो नहीं छोड़ रहे हैं इतना ही ले दैट सिंपल वर्ड कैन गाइड एस फॉर मैनी डेइस इफ वर्ड कैन गाइड वाई नॉट द एक्सपीरियंस इट सेल्फ ऐसे ही एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि शिक्षण जगत में है लाइफ में बहुत है लेकिन वो डिवाइन है ऐसी एक छोटी सी बात दूसरी रखकर में मेरी बात संपन्न करूँगा मैं अभी लोक भारती में अरुण भाई के हाथ के नीचे काम कर रहा हूँ और वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ यूनिक यूनिवर्सिटी फॉर इंडिया वेर वी वर्क फॉर द रूरल इनोवेशन हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो गाँव से आते हैं छोटे छोटे गाँव से आते हैं सतुआ बाबा जी का वहाँ पे एक बड़ो बहुत बड़ा सा स्कूल है आश्रम है बगल में और यहाँ जो आते हैं वो रूरल बातें सीखने के लिए ही आते हैं वो गाय जहाँ है वो गौशाला में कैसे जैसे कल बापू बता रहे थे कि बछड़े में के बीच में जब बच्चा जाएगा तो माँ उसको खींच लेगी ऐसा ही वो भाणदेव जी के एक्सपीरियंस में हुआ जब बच्चा समुद्र में गया होता तो माँ बनकर वो भाणदेव जी खुद उनको खींच लेते ऐसे एक्सपीरियंस वो ले रहे हैं बापू वहां से बहुत अच्छी बातें ये है कि अगल बगल में कितनी छोटी छोटी बातें ऐसी है कि उनके ऊपर एक एक कथा समर्पित की जा सकती है पहचानते हम नहीं हैं, हम गए नहीं हैं, वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड और इसीलिए ये बात मैं रख रहा हूं वी डू प्रीफर टू गो टू स्विट्जरलैंड बट वी हैव नेवर ट्राइड टू विजिट समढ़ियाड़ा हम लोग जानते हैं क्यों जानते हैं समढ़ियाड़ा नाम हमारा पहचाना हुआ है क्यों पहचाना हुआ है वहाँ एक कथा हो चुकी है लेकिन वो एक्सपीरियंस है जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नॉन बिलीविंग एक्सपीरियंस जो हम मान नहीं सकते ऐसे जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ हमको मालूम है कि सौराष्ट्र की धरती को संत सूरा और सूर की धरती कहते हैं लेकिन एक बात ऐसे है कि कोई एक व्यक्ति ऐसी हो सकती है कि जो संत भी हो सती भी हो और सुर भी हो शायद नहीं हो सकती लेकिन मेरा जो रिसर्च है वो बता रहा है कि गंगा सती वॉज द ओनली आइडेंटिटी टू बी संत टू बी सती एंड टू बी सुर यहाँ पे मीनिंग कोई अलग है वो मैं उसके गहराई में नहीं जा रहा हूँ लेकिन क्यों ऐसा हुआ एक छोटा सा लोक भारती से 22 किलोमीटर किलोमीटर्स दूर एक छोटा सा जगह है जिनका नाम समिया है बापू तो बहुत प्यार से अमारू समियाम कहीने इन्हें बोलावे थे भारत भर कोई कोईपण कथाकार कोईपण भजनिक कोईपण लोक साहित्य कलाकार न मूढ़े थी जेनु भजन न गवाया हो बने नहीं व्यक्तित्व ए गंगा सती है भजन ना स्टॉक बावन भजन ओनली फिफ्टी टू नॉट मोर देन देट एंड हाउ शी डिड इट कभी कभी हम बात करते हैं कि कविता आयास से आती है कभी कहते हैं अंदरूनी हरकत से आती है लेकिन कविता या भजन या अंदर के जो शब्द हैं वो कभी कभी आध्यात्मिक एक्सपीरियंस के तौर पे भी आते हैं गंगा सती का पूरा जीवन हमारे सामने है लेकिन मैं एक छोटी बात कर दूं, वो पहले से बर्थ से लाइट फ्रॉम द बर्थ ऐसे परिवार में बली थी मेरा तो ऐसा भी बापू एक आकलन है कि यदि हम मीराबाई के साथ किसी का तुलना करना चाहें करना नहीं चाहिए फिर भी एक ऊंचाई पे दोनों को रखना है तो मीराबाई के साथ गंगा सती को रख सकते हैं मीराबाई ने संघर्ष में से भक्ति का मार्ग लिया और गंगा सती जी ने एकदम सरलता में से भी भक्ति का मार्ग लिया ऐसा नहीं है कि जब दुख पड़ता है तभी ईश्वर याद आता है बहुत अच्छा सा उनका परिवार चल रहा था कहड़संग कल्लूभा गोहिल के साथ उनके मैरिज हुए थे आई एम टॉकिंग अबाउट वन एट सिक्स फोर एटीन सिक्सटी फोर की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छा ये हुआ कि कहड़संग और गंगा सती दोनों परायण थे और बहुत ही अपना जीवन पूरा दिन वो ईश्वर सेवा में व्यतीत करते थे गांव में कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए गांव से बाहर लेकर एक छोटी सी जमीन पे उन्होंने मकान बनाया वहाँ भजन प्रभाव चलता था वहाँ पे संतों की सेवा पूजा चलती थी और उनका गुजरा चलता था कहा जाता है कि कहड़संग दैट मीन्स गंगा सती जी के जो पतिष्ठ है उनको बहुत ही क्यूलस एक्सपीरियंस हो रहे थे अपने लिए ऐसे एक्सपीरियंस जब होते हैं तो वो चिंता का भी कारण होता है ही वॉज वेरी श्योर कि मैं ये सब कर रहा हूं या मेरे को जो हो रहा है वो पब्लिक में नहीं जाना चाहिए क्यों नहीं जाना चाहिए लोग वो चमत्कार को पकड़ेंगे और मेरा जो ऊपर वाला है उनको छोड़ देंगे आज हमको मालूम है कि हम चमत्कार और बाहर के जगत को बहुत पहले प्रणाम करते हैं और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बीच में तीन चार एजेंट आ जाते हैं तो उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया था बहुत कर रहे थे लेकिन वो किसी को पब्लिक नहीं किया था लोग उनकी हंसी भी उड़ा रहे थे वो जब आ रहे थे एक दफा खेत में से अपना काम निपटा के तो रास्ते के बीच में एक गाय थी वो अनकॉन्शियस हो पड़ी थी मर रही थी तो गांव लोगों ने उनका थोड़ा मजाक करके कहा ये कर्ण सिंह को बोलो वो उनके पास ऐसी विद्या है वो जीवित कर देगा बस यही मोमेंट थी जब कौड़ सिंह को लगा कि गांव को जो बोलना है वो बोले ये गाय को जिंदा करना मेरा कर्तव्य है और जाके उन्हें हाथ फिराया और गाय जीवंत हो गई हो गई तो हो गई लेकिन गांव लोगों ने उनके ढोल पीटने शुरू कर दिए दिस वॉज नॉट फेमिलियर टू कहड़ संघ ही वॉज डिस्टर्ब उन्होंने कहा कि यह तो बहुत गलत हो गया मेरे पास ये शक्ति है ये मेरे को भी नहीं मालूम होना चाहिए अभी तो गांव लोगों को मालूम हो गया ही वॉज सो कॉन्शियस अबाउट इट तो उन्होंने जाके गंगा सती को बोला कि आई अंडरस्टैंड कि मैंने गलती कर दी है मेरे से नहीं होना चाहिए था आई वुड लाइक टू लीव मैं देह छोड़ना चाहता हूँ पांड गंगा सती के साथ कर्णसंग और गंगा सती का जब मैरिज हुआ तब उनके साथ हमारे काठियावाड़ में वडारण कहते हैं ऐसी एक कन्या आई थी उनका नाम था पान बाई वो भी आध्यात्मिक थी कैसा अच्छा था संयोग था कि तीनों लोग अध्यात्मा से थे तो हुआ ये कि जैसे कहड़संग ने कहा कि मैं देह त्याग करना चाहता हूँ गंगा सती ने कहा मैं भी देह त्याग करना चाहती हूँ तुरंत उसने बोला अभी तेरा काम पूरा नहीं है हमारे साथ पान है उनको आत्मबोध कराना तेरा काम बाकी है अभी मैं जा रहा हूं जब यह काम पूरा हो जाए तो तुम भी देह छोड़ देना इतना बोलते ही कहड़संग ने देह त्याग कर दिया दूसरे दिन से गंगा सती को ये मालूम होने लगा कि मेरा काम अभी शुरू करना चाहिए शी स्टार्टेड एक एक भजन रोज के एक एक भजन उसी वक्त पे वहाँ एक हरिजन साधु थे भूधरनाथ जी वो वहाँ रहने आए थे वो लिखने लगे तो रोज एक भजन का लेसन वो पान बाई को दे रहे थे पान बाई उनको समझ रही थी 52 डेज होने के बाद 52 भजन होने के बाद गंगा सती ने कहा कि मेरे को जो बताना था मेरे पास था वो मैंने दे दिया मेरा काम पूरा अभी मैं दे छोड़ रही हूँ आप समझ लीजिए सर मैंने एक कथा में भी आगे कहा था कि बच्चों के सामने जब वो ऑनलाइन क्लासेस से या मोबाइल के यूट्यूब से टायर्ड होके बैठते हैं तो ऐसी छोटी सी बात हम रख दें तो उनका विस्मय बहुत बढ़ेगा और दे विल बैक टू अवर शास्त्र चमत्कार नहीं है ऐसा हो सकता है कहने पर ही गंगा सती ने देह त्याग कर दिया उसी वक्त और तीन दिन में पांडाई को लगा कि मैं तो आई थी गंगा सती के साथ गंगा सती आई थी कौर संग के साथ अभी कौर संग नहीं है गंगा सती नहीं है तो मेरा होना क्यों जरूरी है जैसा वो सोचा उसी दिन पाणबाई का भी देह त्याग हो गया वो जगह पे आज तीनों लोगों की समाधि है मैं अभी यहाँ आने के पहले ही वो जगह पे फिर से गया था कहते हैं कि संघ ने खुद ने एक हनुमान मंदिर वहाँ बनाया था ऐसा करके वहाँ रख रखा है कोई बता रहे थे कि जब पूज्य बापू वहाँ पधारे थे तो उन्होंने भी यहाँ पे ये प्रार्थना रखी थी मेरा कहना कुछ और नहीं है मैं समझता हूँ कि जैसा एक्सपीरियंस पौंडीचेरी में बच्चे को मिलता था वो मिलना जरूरी है ऐसे ही एक्सपीरियंस में से हम अंदर जाके अंदर जो पड़ा है उनके साथ अनुसंधान कर सकते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम सब लर्नेड पर्सन हैं वी नो वेरी वेल वी रीड वेरी वेल बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू नर्चर योर नेक्स्ट जनरेशन

तेरह साल तक का बच्चा सामने बैठता रहेगा दिस इज़ द मैसेज आई एम वेरी हैप्पी कि आज ढलती संध्या पर मैं आपके सामने ये शब्द रख रहा हूँ मैं बापू का अनुग्रह व्यक्त करता हूँ कि मेरी वाणी को यहाँ पे स्थान मिला जय श्री राम